विधानसभा चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई प्रदीप चौधरी से कि चुनाव किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका आज प्रकाश में स्वागत है। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से लेते हैं? विधानसभा चुनाव में मतदाता आज बहुत जागरूक है और 5 साल का जो शासनकाल जनता ने देखा, जो वायदे करके गुमराह करके हर वर्ग को सत्ता जिन्होंने हथियाई थी, लगातार 5 साल जो सत्ता का सूख भोगते रहे, जनता के हितों की अनदेखी करते रहे, आज जागरूक मतदाता उन्हें इस चुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार है। ऐसे हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जनताओं का जो आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन, जोश, उत्साह में दिखाई देता है, निश्चित रूप से इस चुनाव में उन्हें सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। जैसे आज देखते हैं कालका विधानसभा में नशा पूरी तरह से जोर पकड़ता जा रहा है, यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या उस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल लगाम लगेगी। अगर यह सरकार भी चाहती तो लगाम यह भी लगा सकती थी। और काफ़ी समय हो गया जो चिट्ठे के नशे का यहाँ प्रचलन शुरू हो चुका है, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता, सत्ता में बैठे लोगों को दिखाई नहीं देता कि सत्ता नशे जो चिट्ठे का नशा फैल रहा है? पिछले दिनों ऐसा भी सुनने में आया कि काल का रेलवे स्टेशन पर कुछ साथी जो पकड़े भी गए, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोगों का कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी और वह छूट दिए गए। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम बेबस हैं, तो निश्चित रूप से इस पर लगाम अवश्य लगेगी। लोग आज ऐसी चीज़ों को लेकर बड़े परेशान हैं और इस सरकार को सभी स्थानों के लिए तैयार होते हैं। युवा जो नशे की चपेट में आ रहा है, युवा हमारे देश का भविष्य है, उसको रोजगार को देना दूर, उल्टा नशे की चपेट में लाने का ही काम कर रहे हैं। आज जनता के बीच में आज वोट मांग रहे हैं, तो किन वादों को आप जनता के बीच में रखते हैं? आज हमारा घोषणा पत्र भी जनता के बीच आएगा और हम यही कहते हैं कि युवा देश का भविष्य, युवा को कैसे रोजगार के अवसर प्रदान करें, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे, कानून व्यवस्था अच्छी हो, कितना शांत फिर हमारा क्षेत्र, यहाँ कितने ऐसे डकैतियाँ, मर्डर, चोरी, डकैतियाँ आम होनी शुरू हो चुकी है, कानून व्यवस्था अच्छी हो, माहौल हमारा भाईचारा अच्छा हो, आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे, ऐसी व्यवस्था हम कायम करेंगे। और जो भी परेशानियाँ हैं, इन्होंने तो आज रोजगार देने की बजाय HF की फैक्ट्री बंद कर दी और ECC सरकार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कर ACC फैक्ट्री बंद करने का भी काम किया, जो हमारे इस क्षेत्र की जीवन रेखा थी, हमारे क्षेत्र की HF की जो शान मानी जाती थी, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस इलाके को हर तरह से बर्बाद करने पर यह सरकार तुली हुई है। तो निश्चित रूप से इनका समय अब खत्म हो चुका है, आने वाला समय पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनेगी और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ कर्मचारी भी सुखी हो, किसान भी सुखी हो, युवा को रोजगार के अवसर मिले, आम या आदमी खुलकर अपना जीवन जी सके। आज लोगों को दबाते हैं, जाते हैं, कई सरपंचों पर दबाव डाल रहे हैं, कईयों पर झूठे केस बनाकर उनको परेशान किया जाता है, ऐसी सब व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। ऐसी आपसे मैं अपने जागरूक मतदाताओं से उनसे मैं ये वायदा भी करता हूँ, आप इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारा जरूर सहयोग करें, समर्थन करें। आप प्रकाश के माध्यम से जनता को क्या तक संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मतदाता बहुत जागरूक हैं, आज जहाँ जहाँ हमारे बड़ा उत्साह चल रहा है और हमें उनसे पूरी आशा और उम्मीद है, हम उनको पूरा यकीन भरोसा करते हैं कि मेरे कालका विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाता आपके MS भाई, बहन, माताएं, बुजुर्गे, युवा साथी निश्चित रूप से आने वाले समय में हाथ का पट बनाकर बड़े कामयाब बनेंगे, ऐसी आशा करते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।